गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायपोल के बारे में, पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारी बातें सीख ली हैं डायपोल के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपने वो सारा कुछ पढ़ लिया है अब तक डायपोल के बारे में। अब आज एक बहुत जरूरी टॉपिक और एंड ऑफ द चैप्टर की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और टॉपिक है, सामने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये एक जस्ट एक क्वांटिटी है जिसको डिफाइन किया गया है। किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है? किसी सरफेस से, डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ऑलमोस्ट द डेफिनेशन, किसी सरफेस से लिंक होने वाली या किसी सरफेस को क्रॉस करने वाली, लिंक मतलब जुड़ने वाली या क्रॉस करने वाली, रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या बताती हैं? फ्लक्स बताती हैं। ए, थोड़ा अजीब सा हो गया कुछ। क्या बोला? किसी सरफेस से जुड़ने वाली, लिंक होने वाली फील्ड लाइंस, रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फ्लक्स रिप्रेजेंट करती हैं। फ्लक्स होती नहीं है, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फ्लक्स रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक थोड़ा सा कंपेरिजन टाइप की डेफिनेशन है। जब मैंने बोल दिया रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब यह है कि कंपैरिजन का फॉर्म है। हम बस ये बोल सकते हैं कि फील्ड लाइंस जुड़ी हुई देखकर सरफेस से कि फ्लक्स ज्यादा है, और फील्ड लाइंस कम है तो फ्लक्स कम है। कोई डेफिनेशन नहीं हुई है, ये कोई वो क्वांटिटी नहीं हुई कि 10 फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई तो 10 फ्लक्स हो गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो क्वांटिटी है, जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, वो सिर्फ किस रिस्पेक्ट में है? कंपैरिजन के टर्म्स में है ये बात। तो डेफिनेशन पहले एक बार दोबारा सुनिएगा। द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस इज कॉल्ड या रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। द रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद ए सरफेस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फ्लक्स रिप्रेजेंट करती हैं। वैसे फ्लक्स का मीनिंग एक्चुअल में होता है, आपने शायद 11th में सीखा होगा फ्लूइड वाले चैप्टर में, फ्लो होता है किसी चीज का। तो उसी सेंस में फ्लक्स को डिफाइन कर देते हैं, फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ फील्ड। फील्ड का जो फ्लो है, रेट फ्लो है जो फील्ड का, उसको क्या कह देते हैं? फ्लक्स कह देते हैं। तो वो एक अजीब सी डेफिनेशन क्रिएट हो रही है, उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइन्स हैं वो क्या बताती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फ्लक्स। यहां से सीधी लाइन निकल कर आई, फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है हमारे पास, आप लोग कई लोग इस सरफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कहां रखी है, ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है, क्लियर है। अब इस सरफेस से मैंने बोला कि जहां पर ये सरफेस रखी है वहां पर एक्स डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म फील्ड है। मान लीजिएगा एक्स डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म फील्ड है, कुछ यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं क्या होता है? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हो और कैसी हो, उनके बीच की सेपरेशन कैसी हो, सेम हो, तो वो क्या कहती हैं, क्या कही जाती हैं? यूनिफॉर्म फील्ड। तो अब देखना, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके चली गई हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी तो ज्यादा फ्लक्स बताएंगी, कम फील्ड लाइंस जाएंगी तो कम फ्लक्स बताएंगी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। इससे पहले के लेक्चर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले लेक्चर में, हमने आपसे एक बात बोली है कि हम कितनी भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं। क्या बोला था? कि फील्ड लाइंस कितनी बनानी है किसी चार्ज के साथ, वो किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस है। यानी कि जो उस समय करता धरता जो भी है उसकी चॉइस है, हम हैं तो हमारी है, आप हैं तो आपकी है। तो रिलेटिव वर्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि किसी एक रेफरेंस में,
अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने कर लिया कि मैं एक उलान के चार्ज के लिए इतनी फील्ड लाइंस बनाऊंगा, तो मेरा डिसीजन हो गया पक्का, मैं इतनी फील्ड लाइंस ही बनाऊंगा। तो मेरे लिए जिस सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी उससे फ्लक्स भी ज्यादा होगा। इसको डिनोट किससे करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है इसका एक। अब बात करते हैं इस सरफेस को, आप देखिए जरा, ये मैंने बोला था एक यूनिफॉर्म फील्ड है, इस यूनिफॉर्म फील्ड में ये सरफेस रखी है। अब मैं कह रहा हूं इस सरफेस से अगर मुझे फ्लक्स बढ़ाना है, एक फॉर्मूला बनने जा रहा है फ्लक्स का, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे आ रहा है। अगर मैं कहूं इस सरफेस से लिंक फ्लक्स बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ये सरफेस, बहुत ध्यान से देखना, सरफेस बड़ी कर दूं, अगर मैं सरफेस कैसी कर दूं, मान लो इसकी जगह मैं दूसरी सरफेस रख दूं जो इससे बड़ी हो, तो क्या ज्यादा फील्ड लाइंस उससे टकरा जाएंगी? बात समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने? अगर मैं इसकी जगह क्या कर दूं, एक छोटी सरफेस है, ये कैसी सरफेस है, छोटी है, इससे बड़ी सरफेस रख दी मैंने, ये रख दी सरफेस, तो क्या ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक होगी? आप देख सकते हैं ऐसे, तो आप देख पाएंगे ये सारी की सारी फील्ड लाइंस लिंक हो गई। इसका मतलब फ्लक्स बढ़ गया, और फ्लक्स बढ़ गया इसका मतलब वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो सरफेस के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। चलिए एक बात हमें पता चल गई है कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अब जरा बात करिएगा, क्या और कोई मेथड है इस फ्लक्स को कम ज्यादा करने का? बिल्कुल है। अगर मैं बोलूं आपसे कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड को स्ट्रांग बना दिया जाए, फील्ड को स्ट्रांग बनाने का मतलब समझ रहे हैं, कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं फील्ड को, या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रांग फील्ड को? एक पंच लाइन पढ़ी थी हम लोगों ने, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रांग फील्ड, या रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जितनी ज्यादा डेंस होंगी फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगा। तो जरा रिकॉल करिएगा, अगर मैं बोलूं इस फील्ड को मैं स्ट्रांग करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? फील्ड लाइंस को कैसे कर दूंगा? पास पास, दिख रहा है आपको इतना? अब यहां पे ज्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, फील्ड को स्ट्रांग ना करके वीक करके दिखा दूं। अगर तो वीक कैसे करेंगे, क्या कर देंगे, इन फील्ड लाइंस को दूर दूर कर देंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए क्या ये फील्ड अब वीक हो गया, दिखाई दिया कि वीक कैसे हो गया? क्या कर दिया हमने, इनकी स्पेसिंग बढ़ गई, स्पेसिंग बढ़ गई यानी डेंसिटी कम हो गई, तो फील्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। फील्ड कम हो गया क्या, अब इसका मतलब कम फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं, कम लिंक हो रही हैं, तो फ्लक्स कैसा हो गया है, घट गया है। तो ओवरऑल समराइज करिए, दो बातें हो चुकी हैं अब तक, क्या क्या, कि फ्लक्स जो है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया ऑफ द सरफेस पर और दूसरा फील्ड की स्ट्रेंथ पर। क्या इन दो के अलावा फील्ड की स्ट्रेंथ किससे डिनोट करते थे? ई से। दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब बात करिएगा क्या तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है जिससे फ्लक्स कम ज्यादा हो सके? बिल्कुल है, ये देखिए, मान लीजिए ये एक फील्ड है, किस तरफ है ये, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने की, ये फील्ड किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फील्ड है, आई थिंक दिख रहा होगा, ये जो एरो, ये ब्लैक कैप्स लगे हैं, ये क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फील्ड है। यहां पर सामने ये जो मेरा हाथ है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस रखी थी, दोनों की दोनों फील्ड लाइंस इस सरफेस से लिंक कर रही है, क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा सा घुमा दूं मतलब किसी और ओरिएंटेशन में रख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सरफेस को यूं करके रख दिया, देख पा रहे हैं कैसे रख दिया, यूं करके रख दिया, एक फील्ड लाइन इस सरफेस के ऊपर से निकल गई, एक नीचे से निकल गई, एक ने भी इसको क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब इससे फ्लक्स कितना हुआ, जीरो। तो एक बात और समझ में आ रही है मेरे, अब पता है क्या, एरिया पर भी डिपेंड करती है, फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है, और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये डिपेंड करती है कि सरफेस रखी कैसे हुई है, यानी कि सरफेस का ओरिएंटेशन क्या है। ये लाइन बहुत जरूरी है,
कि सरफेस का ओरिएंटेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। और इस ओरिएंटेशन को हम कैसे समझेंगे उसके लिए अब क्या आप बताएं कैसे रखी है, या तो मैं इसको बता सकता था बड़े आसान तरीके से, प्लेन बता दूं मैं आपको, एक्स वाई प्लेन में रखी है, वाई जेड प्लेन में रखी है, एक्स जेड प्लेन में रखी है। तो कई बार ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला हो जाता है और कई सिचुएशंस में जल्दी से समझ में नहीं आती बात, हालांकि आप लोग बहुत होशियार हैं मुझे पता है। तो एक कन्वेंशन ली गई, यहीं पर एक कन्वेंशन की बात बहुत कीमती है, सुनिएगा। एक कन्वेंशन ली गई एरिया को, किसी सरफेस को उसका जो एरिया है उसको एक वेक्टर मान के डायरेक्शन दे दी गई। अब कंफ्यूज मत होना, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली 100% स्केलर है, बट यहां पर उसके ओरिएंटेशन को दिखाने के लिए एरिया वेक्टर को एक डायरेक्शन दे दी गई। और वो जो डायरेक्शन है वो हमें सीखनी है। एक बार मैं कन्वेंशन बता दूं, क्या कन्वेंशन ली गई, किसी भी एरिया वेक्टर की या एरिया की जो डायरेक्शन है वो मानी गई उस सरफेस के परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। सुन पाई इतनी बात, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, क्या ये हो गई परपेंडिकुलर, देख ली सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जरा आप बोलिएगा, अगर सरफेस मेरी एक्स वाई प्लेन में रखी है, किस में रखी है, एक्स वाई प्लेन में, तो उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, सरफेस कहां है एक्स वाई, उसके परपेंडिकुलर कौन हुआ, जेड में, कहां चला गया एरिया वेक्टर, जेड में। अगर सरफेस रखी है वाई जेड में तो एरिया वेक्टर कहां जाएगा, वाई जेड दो खत्म, कौन बचा एक्स, तो किस में जाएगी एरिया वेक्टर, एक्स में। सुन भाई, तो क्या कन्वेंशन ली गई, सुन भाई कन्वेंशन, एरिया को एक डायरेक्शन दी गई। क्यों दी गई, ताकि हम सरफेस का ओरिएंटेशन बता सकें, और उस ओरिएंटेशन के लिए अब मैंने क्या बोला, एक डायरेक्शन, क्या कन्वेंशन मान ली गई, सरफेस के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लिया गया। इतनी बात श्योर है आपके पास, चलिए अगर इतनी बात आप सीख गए हैं तो मैं बता दूं, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहां रहेगा, जेड डायरेक्शन में, और उसको डिनोट कैसे कर देंगे, एरिया वेक्टर। ये था वाई जेड प्लेन में, एरिया वेक्टर कहां चला गया, एक्स एक्सिस के अलोंग। सुन पाया, अब मेरी एक बात और सुनिएगा, ये सरफेस रखी है यूं करके, जैसे जैसे मैं इसको घुमाना शुरू कर दूंगा क्या वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इससे क्रॉस कर रही थी वो घटती चली जाएंगी, कंफर्म है। और फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब सरफेस कैसी होगी, कुछ इस तरीके से रखी होगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत केयरफुली रिपीट करके सुनिएगा सारी बातें आप, अगर एक बार दिमाग में ना आए तो रिपीट करिएगा वीडियो को। क्या बोला, अगर ये सरफेस यूं रखी है तो सारी की सारी फील्ड लाइंस को कट कर रही है, जैसे जैसे मैं सरफेस को घुमाते चले गया, मैं सरफेस को घुमाते चले जा रहा हूं तो कुछ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, और जब मैंने सरफेस को ऐसे रख दिया तो एक भी फील्ड लाइन नहीं कट करेगी। तो अब मैं बताने जा रहा हूं इस ओरिएंटेशन का फॉर्मूले में क्या काम है, देखिएगा। आई थिंक इतना डायग्राम आप बना सकते हैं, इसी सरफेस को मैं घुमा के रखने वाला हूं, कैसे रखने वाला हूं, घुमा के, बहुत केयरफुली देखिएगा। ज्यादा अच्छी तो ड्राइंग नहीं है मेरी, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये सरफेस पहले यूं रखी थी, अब मैंने कैसे रख दी है, कुछ इस तरीके से रख दी है, देख पा रहे हैं। तो ये सरफेस अगर यूं रख दी है टिल्टेड, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ये सरफेस थी पहले, ये एरिया वेक्टर ये था, मैंने सरफेस घुमा दी, अब एरिया वेक्टर भी क्या कुछ थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, मान लिया कितना घूम गया, थीटा एंगल से घूम गया, कितना मान लिया, थीटा एंगल से मान लिया, ये था हमारा फील्ड ई, और इसका एरिया वेक्टर कितना घूम गया, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, कितना घूम गया है, थीटा एंगल से घूम गया है।
इतनी बात आपने आई थिंक देख ली होगी। अब एक बात बोलिएगा, अगर यही सरफेस मैं बिल्कुल ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर कहां चले जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर चले जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और उस टाइम पर फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। अगर मैं बोलूं इस एरिया के हम क्या कंपोनेंट कर सकते हैं, एक फील्ड की तरफ होगा कंपोनेंट, एक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। जो फील्ड की तरफ कंपोनेंट होगा वो जरा बोलिएगा, जहां से एंगल थीटा वहां से क्या कंपोनेंट आता है? कॉस थीटा। क्या कंपोनेंट आया? कॉस थीटा। दूसरे वाला कितना? ए साइन थीटा। इतनी बात समझ गए? फील्ड एरिया, एरिया के दो कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। एक बहुत खतरनाक सी बात बोलने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। एरिया मैंने कंपोनेंट कर ली तो मेरे पास अब दो एरिया हो गए। ओरिजिनल एरिया को मैं थोड़ी देर के लिए हटा सकता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं काम कर रहा, यूजलेस हो गया। अगर ये एरिया यूजलेस हो गया है तो अब जरा बोलिएगा, अगर सरफेस का एरिया ए कॉस थीटा है तो वो सरफेस कैसी होगी? तो वो सरफेस किस पोजीशन में होगी? खूब ध्यान से, एरिया वेक्टर ये रहा, सरफेस कैसी होती है? एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर राइट साइड, सरफेस कैसी हो गई? इसके परपेंडिकुलर ये हो गई। क्लियर? अगर एरिया वेक्टर डाउनवर्ड ये रहा ए साइन थीटा, तो सरफेस कैसी? इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या ये हो गई सरफेस? देखिए दोनों चीजें दिख गई। जरा बताइए क्या इस सिचुएशन में कोई फ्लक्स लिंक होगा? क्या इस सिचुएशन में कोई फ्लक्स लिंक होगा सरफेस से? नहीं होगा। कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से चली गई, कुछ नीचे से चली गई, कोई फ्लक्स लिंक नहीं हुआ। फ्लक्स लिंक नहीं हुआ इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट तो हमारे लिए कैसा है? फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। कौन कर रहा है फ्लक्स में कंट्रीब्यूट? ए कॉस थीटा। तो हम जब यहां पर जनरल सिचुएशन की बात लिखेंगे तो फ्लक्स क्या बनेगा? ई ए, और ए का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है? ए कॉस थीटा। मैं बहुत तेजी से रिपीट कर दूं एक बार, ये बात बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे बहुत ज्यादा। मेरे पास एरिया के दो कंपोनेंट की, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। ध्यान से सुनना, ए कॉस थीटा जब मैंने कंपोनेंट कर ली तो ओरिजिनल वेक्टर बेकार मेरे लिए, हटा दिया। अगर एरिया मैं कंसिडर करूं ए कॉस थीटा वाला, तो सरफेस कौन सी होगी पिक्चर में? इसके परपेंडिकुलर। कन्वेंशन याद रखना, ये रही सरफेस। और अगर मैं एरिया ये वाला कंसिडर करता हूं, सरफेस कौन सी होगी? ये वाली। इस सिचुएशन में कोई फ्लक्स लिंक नहीं है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है ये कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा फ्लक्स में। सिर्फ कौन कर रहा है? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमने क्या कर लिया, फाई का फॉर्मूला क्या बन गया? ई ए कॉस थीटा फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और थीटा यानी कि उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है। गोल्डन फॉर्मूला बन गया है फ्लक्स का, बहुत कामयाब रहने वाले हैं आप, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसको बहुत से लोग एक वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फाइ इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई भी एक वेक्टर, ए भी एक वेक्टर माना हुआ है हमने, तो क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी की फॉर्म में ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट आया है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई है? स्केलर क्वांटिटी हो गई है। कंफर्म इतनी बात? क्या यहां से यूनिट निकाल सकते हैं? सब निकाल सकते हैं। फील्ड की यूनिट, यूनिट लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा की यूनिट कुछ नहीं होती। तो क्या बन गया, अच्छे से लिख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कंफर्म इतनी बात? अरे भाई हुई कि नहीं हुई? सारी बातें जोड़ ली। फ्लक्स का मतलब सरफेस से लिंक, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फ्लक्स रिप्रेजेंट करती हैं, क्या फॉर्मूला बना, ये कॉस थीटा बना। ये डायग्राम बना लेना बहुत सुंदर सा, थोड़ा सा गंदा हो गया हमारे बोर्ड पर, मिट गया है, आप सुंदर सा बना लीजिएगा, और बहुत काम का ही फॉर्मूला है सामने आ गया। कन्फर्म बात? एक क्वेश्चन करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत जरूरी पंचलाइन जो जरूर लिखेंगे आप, बाई कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर इज कंसिडर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस।
क्या लिखेंगे, इज कंसिडर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, दिस इज द कन्वेंशन। सब जगह यूनिफॉर्मिटी के लिए हमने ये कन्वेंशन ली है, हमने नहीं ली है, साइंटिस्ट ने हमसे पहले ले ली है और सभी किताबों में लिख दी है, हमने कुछ नहीं किया है। आई थिंक इतनी बात आपने लिख ली, कन्वेंशन जरूर लिखी होगी, नहीं लिखेंगे तो पछताएंगे। एक न्यूमेरिकल से शुरुआत कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखिएगा, देखते हैं आप क्या करते हैं। न्यूमेरिकल ये कह रहा है लिखिएगा, ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड 100 i cap newton per coulomb Find flux through it. इससे लिंक क्या बताना है आपको, फ्लक्स बताना है। एक बार तो पहले क्वेश्चन कॉपी करिएगा, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद बड़ा आसान सा एक सिचुएशन बन गई है मेरे पास। क्या कह रहे हैं कि फील्ड किस जगह पर है, फील्ड कहां पर है, 100 i cap देखते ही मेरे दिमाग में आ गया फील्ड किस तरफ है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सरफेस कहां रखी है, वाई जेड प्लेन में। अरे कुछ समझ में आई बात, कितने लोगों को समझ में आ गई है, सरफेस अगर वाई जेड प्लेन में है तो उसका एरिया उसके परपेंडिकुलर कहां पे, उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो कहां पर, एक्स एक्सिस में। सुना इतना नहीं सुना है तो डायग्राम देखिएगा, क्या ये हो गई हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस। सरफेस कहां रखी है, वाई जेड प्लेन में। ज्यादा अच्छी नहीं बना पाते हम, ये रही वाई जेड प्लेन में, ये एक सरफेस रखी है वाई जेड प्लेन में रखी है कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स के साथ ना दिखाता तो मैं सिंपली इसको कैसे दिखा देता, ये रही एक सरफेस कहां रखी होती जो वाई जेड प्लेन में। आप ये अच्छी ना लगे आपको तो आप दूसरी तरीके से बना सकते हैं, ये रही वाई जेड प्लेन में रखी हुई सरफेस। सरफेस वाई जेड में है, एरिया वेक्टर कहां जाएगा, एक्स एक्सिस में जाएगा, एक्स एक्सिस में इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये रहा एरिया वेक्टर। फील्ड हमारे पास किस डायरेक्शन में है, ये भी तो आई कैप में है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में है, तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, फाई कॉस टू ई ए कॉस थीटा। जरा वैल्यू बोलिएगा, फील्ड कितना हमें कहीं दिया था, फील्ड कितना है 100, एरिया कितना, कहां गया एरिया, अरे ये भी 100 है, लेकिन 100 में चीटिंग कर ली है, 100 में क्या दे दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 10 to the power -4। कितने लोगों को ये बात नहीं आती है अभी भी, तो वो क्या करेंगे, पूछेंगे कि नहीं आती है तो हम बताएंगे, अरे काट पीट लो, कितना आ गया, 2 और 2 4 0 ये हो गए, प्लस के 4 माइनस के कुछ नहीं बचा, क्या बच गया,
वन बच गया, और फ्लक्स की यूनिट क्या बताई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अरे क्या आसान है, क्या आसान है क्या? क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, इतना नोट कर लिया, क्वेश्चन में बहुत छोटा सा चेंज, आंसर आप बताएंगे। इज प्लेस्ड इन एक्स जेड प्लेन, बाकी सब वही है, सरफेस इस बार कहां कर दी है, एक्स जेड प्लेन में कर दी है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, सरफेस एक्स जेड प्लेन में कर दी है, आपको फ्लक्स बताना है। जरा ध्यान से देखिएगा, सरफेस अगर एक्स जेड प्लेन में चली गई है तो उसका एरिया वेक्टर कहां चले जाएगा, ये बहुत जरूरी बातें हैं। एरिया वेक्टर कहां चले जाएगा, एक्स जेड यानी कि इस रूम का क्या हो गया, फर्श हो गया। कैसे कैसे, ये रूम है हमारा, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, पूरा बॉटम दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। क्या बोल सकते हैं, एक्स जेड प्लेन हमारा जो बन गया उसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, वाई एक्सिस में जाएगा। ये बात तो कम से कम सीख लो। क्या बोला, जो डायमेंशंस, जो एक्सिस कवर हो गई, एरिया क्या है उसके परपेंडिकुलर है। अगर एक्स जेड में सरफेस रखी है तो उसके परपेंडिकुलर कौन बच गया, एक्स जेड खत्म, बचा कौन, वाई। एरिया किस में है, वाई में है, एरिया वाई में है। ध्यान देना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, अब ये डायग्राम नहीं है इसका, एक्स जेड का मतलब यहां कहीं रखी है सरफेस, सुंदर नहीं बनेगी, बहुत ही बुरी लग रही है हमें भी, हमें भी नीचे लग रही। एक्स जेड मतलब एक्स और जेड प्लेन में रख गया है, यहां कहीं रखी है ऐसे करके, ये रखी है। वैसे अगर दिखाएं एक्चुअल में तो सरफेस यू रखी है। एरिया वेक्टर किधर हो गया, वाई में। फील्ड किधर है, एक्स में। एंगल कितना है, जरा एंगल बोले कितना हुआ, 90 हो गया, और कॉस 90 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, जीरो। तो फ्लक्स कितना हुआ, जीरो। सुन ली, बड़ा सिंपल सी बात है। और पंचलाइन क्या बन गई, ये पंचलाइन की फॉर्म में बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बोल देते हैं। अगर कोई सरफेस फील्ड के पैरेलल रखी है, सरफेस फील्ड के पैरेलल रखी है, ये देखिए एक्स जेड, फील्ड किधर था, ऐसे था, ऐसे ही था ना फील्ड, और सरफेस भी कैसे रखी है, ऐसे ही रखी है, तो वो उससे लिंक फ्लक्स कितना होता है, जीरो। यानी कि इफ सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड देन फ्लक्स इज जीरो, एंड इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। आई थिंक आपने राइट डाउन कर ली है दोनों पंच लाइंस, सरफेस बोली है, एरिया नहीं बोला है, ध्यान रखना। आई थिंक दोनों क्वेश्चन आप सीख गए, सभी सीख गए। एक और क्वेश्चन करूंगा, और बहुत छोटा क्वेश्चन करूंगा, बोले क्वेश्चन में छोटा सा चेंज। क्या करिएगा, ए क्यूब ऑफ साइड ए, काम चलेगा नहीं है ना, ए क्यूब ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड सच दैट its sides are along the x, y and z axis. In a uniform field of E, और डायरेक्शन क्या दी गई है, आई कैप। फाइंड फ्लक्स विद द क्यू,
फाइंड फ्लक्स लिंक विद द क्यूब, क्यूब से लिंक फ्लक्स बताना है। और बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन एक बार को देखने में लग सकता है, बट है उतना ही बहुत ही निहायत ही आसान है। वाहियात किस्म का क्वेश्चन है और आता है पेपर में, वाहियात मतलब पेपर में आता है और है बहुत आसान। देखिए क्या कह रहा है, क्यूब है जिसकी साइड ए है, इस तरीके से रखा है कि इसकी साइड्स आर अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस। पहले तो डायग्राम बना लें सुंदर सा, अरे क्यूब बनाना तो सबको आता है ना, ऐसे मत देखो, क्यूब ही बनाए हैं। ये क्यूब है जिसकी साइड ए है और क्या कह रहे हैं, इसकी साइड्स अलोंग दी एक्स वाई जेड एक्सिस रखी हुई है। तो मैं आपको अब दिखा दूं, ये रहा मान लीजिए ओरिजिन, ये रही अपनी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्या दिख रहा है आपको क्यूब? क्यूब सबको दिख रहा है, जितना अच्छा आपको क्यूब दिखेगा उतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना फंस जाएगा। अब इसको अपने रूम की तरह कंसीडर कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, रूम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और हमें फील्ड कितना दिया है, ई दिया गया है, किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बना देता हूं फील्ड, और किस तरफ हो गया, आई मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ। हमें बताना है फ्लक्स पूरे क्यूब से, पूरे क्यूब से बताना है, पूरे क्यूब में कितनी सरफेसेस हैं, सबको पता होगी कितनी सरफेस है, और काउंट कर सकते हैं कि छह हैं, और छह सरफेस, हर सरफेस से फ्लक्स निकाल लो। और फ्लक्स क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, किसकी तरह ऐड कर दीजिए, एलजेब्रा की तरह ऐड कर दीजिए। क्या कुछ सुने, सभी सरफेस से फ्लक्स निकालो, किसकी तरह ऐड कर दो, एलजेब्रा की तरह ऐड कर दो। तो शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी सरफेसेस हैं, अगर मैं इसको रूम की तरह ट्रीट करूं तो इसमें कुछ मेरा फर्श होगा, कोई वॉल होगी सामने वाली, कोई पीछे वाली। जरा देखते हैं एक बार, आई थिंक आप रूम में बैठे होंगे, लाइट जल रही होगी और लेट के नहीं पड़ रहे होंगे, आई थिंक सामने हाथ में कॉपी किताब होगी। क्या ये छत होगी, मैं नंबरिंग कर देता हूं, ए बी सी डी, बुझा कहां जा रहा, ई एफ कौन बचा, जी और एच, दिख गई। अब इसमें इमेजिन करना, एक एक करके शुरुआत करते हैं। टॉप वाली सरफेस है ये वाली सरफेस, ये अपने रूम की छत हो गई है, दिख रहा है इतना, रूम की छत हो गई। एरिया वेक्टर किधर, मैंने बोला था कन्वेंशन, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब अपने अपने रूम में बैठ के देखिएगा, आपकी घर की जो छत है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, क्या परपेंडिकुलर आउटवर्ड चले जाएगा, आउटवर्ड नहीं गलत बोल दिया, परपेंडिकुलर अपवर्ड चले जाएगा, ये हाँ देखिएगा परपेंडिकुलर अपवर्ड चले जाएगा। क्या ये हो गया एरिया वेक्टर इसका, कंफर्म। फर्श का बोलिएगा, ये जो फर्श है आपके सामने, ये रही फर्श, सब देख सकते हैं, फर्श का एरिया वेक्टर किधर चले जाएगा, क्या परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, इस रूम के अंदर मैं बैठा हूं, रूम से बाहर ही जाएगा, कोई भी एरिया वेक्टर रूम के अंदर नहीं आ सकता, कहां जाएंगे, आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर रखिएगा सरफेस के, ये आपकी बॉटम फर्श हो गई है, और फर्श के आउटवर्ड यानी कि ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर किधर चल गया, डाउनवर्ड। अरे इतनी बात सीखते जाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, पेपर में आता है क्वेश्चन, अपवर्ड हो गया डाउनवर्ड हो गया। अब जरा वॉल्स की बात कर लें, ये जो पीछे एक वॉल है दिखाई दी है, इसका नाम मैं बोल सकता हूं ई एफ जी एच, ये एक सरफेस हो गई है ई एफ जी एच। और जहां तक आप देख पा रहे हैं मेरे इस रूम में जो सामने वाली वॉल है ये है हमारी ई एफ जी एच, दिख रही है। इस वॉल का एरिया वेक्टर कहां जाएगा, इस वॉल के परपेंडिकुलर और कहां, बाहर की तरफ, इस वॉल के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। जरा प्लेन पहचानिएगा, ई एफ जी एच का प्लेन कौन सा है, क्या एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर किधर चल गया, जेड डायरेक्शन में, और जेड में चल गया तो जेड
में चल गया। हम दिखा नहीं सकते यहां पर, मैं मेरी मजबूरी है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, जेड में चला गया है। अब जरा बात करिएगा, मैं सरफेसेस की बात करूं, लेट दिस इज नंबर वन, बॉटम इज नंबर टू, दो सरफेस हो गई। ये जो ई एफ जी एस था, ये सरफेस मान ली मैंने नंबर थ्री, ठीक है। अब ए बी सी डी, ये जो बाहर वाली सरफेस है, यानी कि अगर मैं यूं खड़ा हूं तो मेरे ठीक पीछे वाली जो वॉल है, मेरे ठीक पीछे वाली जो वॉल है दैट इज ए बी सी डी, वो भी एक्स वाई प्लेन में है। दिखा आपको, एक्स वाई प्लेन में है, कैसे दिख रहा है मुझे, ये रही वो वॉल ए बी सी डी, ये रही ये वॉल, और एक्स और वाई प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर इसका कहां है, अपने रूम से बैठ के देखिएगा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, रूम बैठ के देखिएगा, इस वॉल का एरिया वेक्टर सामने वाली का बाहर, पीछे वाली का पीछे, और दोनों ही किस में आ गए, एक प्लस जेड में आ गया, एक माइनस जेड में आ गया, और एरिया वेक्टर प्लस माइनस जेड में आ गए, जेड में तो आ गए, यानी कि थर्ड सरफेस और फोर्थ सरफेस दोनों के एरिया वेक्टर कहां है, जेड में है। फर्स्ट और सेकेंड के दोनों के कहां थे, वाई में थे। तो मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस वन, सरफेस वन से लिंक फ्लक्स कितना होगा, क्या जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो, बिकॉज फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना है 90, कॉस 90 कितना हुआ, जीरो। सेकेंड की बात करें, सेकेंड कहां रहा, बॉटम में, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, फील्ड राइट साइड, एंगल फिर से 90, तो इसका भी फ्लक्स कितना, जीरो। थर्ड सरफेस की बात करें, थर्ड सरफेस ये रही ई एफ जी एच, एरिया वेक्टर किधर, इनवर्ड, फील्ड किधर, राइट साइड, एंगल फिर से कितना 90, फ्लक्स फिर से कितना, जीरो। अब फोर्थ की बात आप खुद ही बोल दें, फोर्थ का एरिया वेक्टर भी जेड में है, कितना फ्लक्स, जीरो। चारों के फ्लक्स कितने हो गए, जीरो। अब दो सरफेसेस बची हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ दो सरफेसेस बची हैं, कौन कौन सी दो सरफेसेस बची हैं, बहुत केयरफुली देखना, अगर आपकी नजरें बहुत शार्प हैं तो ये रही वो सरफेस, दिखाई दी कुछ लोगों को, मैं अगर बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करूं इस सरफेस को, ये पता चला कौन सी वॉल है, आप अगर यूं खड़े हैं तो रूम की साइड वाली वॉल है, ये वाली वॉल है, दिख नहीं रही होगी पिक्चर में, ये वॉल है, इस वॉल का एरिया वेक्टर, इस वॉल का एरिया ट्री किस प्लेन में रखी है, आपको दिख रहा है इतना क्या, वाई और जेड प्लेन में रखी है, वाई जेड प्लेन में रखी है, तो एरिया वेक्टर किधर हुआ, एक्स में हुआ, ये रहा इसका एरिया वेक्टर। ई और ए के बीच एंगल कितना, जीरो। ये कौन सी सरफेस है, मैंने मान ली ये रही हमारी फिफ्थ सरफेस। एक और सरफेस बची है हमारे पास, कौन सी वाली, फोर्थ कौन सी थी, बाहर वाली, एक और सरफेस बची है, ये रही, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आई थिंक दिख पा रही होगी आपको, ये सरफेस दिख रही है, एरिया वेक्टर किधर चला गया, अब ये आप बोलिएगा एरिया वेक्टर किधर गया, प्लस एक्स या माइनस एक्स, कहां जाना है, अगर राइट साइड करेंगे तो किधर चल गया, अंदर आ गया रूम पे, और हमें किधर करना है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड करना है, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड करना है तो इसका मतलब वो किधर चला गया, लेफ्ट साइड आ गया, ये रहा एरिया वेक्टर, आई थिंक इतना दिख गया है, मुझे कोई ऐसा बॉक्स नजर भी नहीं आ रहा फिलहाल अपने रूम में जिसको मैं दिखा सकूं आपको, नथिंग, कुछ नहीं है यहां, और जो है भी वो दिखाने लायक नहीं है। चलिए फिफ्थ की बात करेंगे, फाइव फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस जीरो, फील्ड भी उसी तरफ, एरिया भी उसी तरफ, कितना बन गया ई ए। सिक्स सरफेस की बात करेंगे, सिक्स सरफेस से लिंक फ्लक्स, ये रहा इसका एरिया वेक्टर ए, ये ए दूसरा का, सिक्स सरफेस का नाम क्या है, ए ई क्या था ये, एच डी, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है लेफ्ट साइड, फील्ड किधर है राइट साइड, एंगल कितना हुआ, एक लेफ्ट है एक राइट है, एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब ई ए कॉस 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो क्या बन गया माइनस का ई ए, सिक्स सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना आ गया माइनस ई ए,
टोटल फ्लक्स कितना बन गया मेरे पास, छह के छह जोड़ दीजिएगा, चार जीरो, पांचवा प्लस ये, छठा माइनस ये, अरे जोड़ दिया कितना बन गया, फाइव इज इक्वल टू जीरो। इतनी देर पढ़े आंसर कितना आया, जीरो। कुछ समझ में लगी बात? अब आपको करना क्या है, अपने घर पे बैठना है, अपने घर पे नहीं अपने रूम में बैठना है, और सभी सरफेसेस को के लिए एरिया वेक्टर ढूंढने की कोशिश करनी है। आप सभी सरफेसेस के लिए क्या करना है, एरिया वेक्टर ढूंढना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क के लिए लिखकर छोड़ूंगा आपके लिए। उम्मीद है कि आप वो सभी लोग वो न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। अभी फ्लक्स का दी एंड नहीं हुआ है, फ्लक्स से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अगले लेक्चर में इस फ्लक्स से जुड़ा अगला केस कंसिडर करेंगे। वो केस होगा कि अगर अभी तक हमने सरफेस देखना कैसी है, क्या ये फ्लैट सरफेसेस हैं? हमने एक रेक्टेंगुलर सरफेस ली, रेक्टेंगुलर सरफेस फ्लैट है। हमने एक क्यूब लिया, क्यूब की सरफेस छह की छह कैसी है, फ्लैट है। कल के लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सरफेस कर्व्ड हो तो क्या करेंगे, अगर सरफेस कैसी हो, कर्व्ड हो तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब तक फिर ये इसको आप पूरा सा एनालाइज करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। ओके।